बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने डेब्यू फिल्म के लिए आपको अवार्ड मिला है। थैंक यू। जर्नी कैसा था डॉक्यूमेंट्री फिल्म में? हाँ, जैसे मेरी मैं जब शुरुआत करी थी मीडिया में, तो मैं ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज ही बनाता था। डॉक्यूमेंट्रीज मैं अभी भी बनाता हूँ, और इसलिए मैं काफ़ी बारी मुझे पूछते हैं लोग कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर से अब फीचर फिल्म मेकर बन गए हैं, तो कैसा है ट्रांजिशन? तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज से फीचर फिल्म मेकर नहीं बना हूँ। डॉक्यूमेंट्रीज़ भी मेरी चलती रहती हैं और फीचर फिल्म भी चलती रहेंगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज़ में अलग ही मज़ा है और फीचर फिल्म्स का मज़ा बिल्कुल अलग है। तो समझता हूँ मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो हैं मेरे लिए, मेरे स्क्रिप्ट्स के लिए रॉ मटेरियल हैं। जैसे काबुल एक्सप्रेस भी मेरे डॉक्यूमेंट्री के जो एक्सपीरियंसेस हैं उस पर आधारित है। तो जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे अफगानिस्तान में एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, उसी उन्हीं इंसिडेंट से काबुल एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट बनी है। सिमिलरली मेरी दूसरी जो फिल्म है उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं मेरे डॉक्यूमेंट्री काम का। तो शुरुआत, हाँ, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज करता था, लेकिन अब मैं डॉक्यूमेंट्रीज और फीचर फिल्म्स दोनों करता हूँ। कभी आपने एक्सपेक्ट किया था कि फर्स्ट फिल्म के लिए, डेब्यू फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिलेगा? नहीं, देखिए, अवार्ड तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। जब आप फिल्म बना रहे हैं तो कोई भी अवार्ड आप एक्सपेक्ट नहीं करते, लेट अलोन यू नो द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द कंट्री, नेशनल अवार्ड। तो नहीं, कभी जहन में ये नहीं था कि नेशनल अवार्ड मिलेगा या और कोई अवार्ड मिलेगा, लेकिन हाँ, लेकिन जब मिलता है ऐसा अवार्ड, स्पेशली नेशनल अवार्ड, तो एक खुशी तो होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसका मतलब है कि एसेंशली कि फिल्म लोगों से कनेक्ट हुई है, लोगों ने वो रीड किया है, वो देखा है जो आप बताना चाह रहे थे, और अप्रिशिएट किया है, इसलिए उन्होंने नेशनल अवार्ड दिया। क्योंकि काबुल एक्सप्रेस ऐसी एक फिल्म है जिसमें हर फिल्म में लोग मेहनत करते हैं और हार्डशिप्स होती हैं, लेकिन काबुल एक्सप्रेस में कुछ ज़्यादा ही हमें मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि जो जिस एरिया में हम शूट कर रहे थे, अफगानिस्तान, वहाँ तो आप जानती हैं, वहाँ अभी भी जंग चल रही है, और बहुत हार्डशिप्स थे। मतलब एक जो बेसिक चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं जब हम शूट करते हैं, वो वहाँ नहीं थी, क्योंकि 25 साल से वहाँ जंग चल रही है, तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा वहाँ का तबाह हो गया है, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब हम वहाँ शूट कर रहे थे तो 15 दिन के बाद तालिबान का डेथ थ्रेट आने लगा हमारे लिए, मेरे एक्टर्स के लिए, जॉन एब्राहम, अरशद वारसी। तो अब उस थ्रेट में के अंडर शूट करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हमारे साथ सिक्योरिटी कमांडोज रहते थे, और हमारी गाड़ियाँ जो थी, कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लानी पड़ी। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से काबुल एक्सप्रेस को शूट करना बहुत मुश्किल था, और उसकी वजह से जब ऐसा अवार्ड मिलता है तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। नहीं, मुझे नहीं लगा, क्योंकि देखिए, पहली फिल्म, मैं समझता हूँ, हर डायरेक्टर के लिए बिल्कुल दिल से निकलना चाहिए, बिकॉज वो नहीं तो आप क्यों फिल्म बना रहे हैं? आप फिल्म इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप एक कहानी सुनाना चाहते हैं, और पहली फिल्म में ज़्यादातर एक डायरेक्टर बिल्कुल अपने अंदाज से वो कहानी सुनाता है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ऐसी कहानी है जो मैंने जो अफगानिस्तान में जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे उन पर बेस करके मैंने ये कहानी लिखी थी। तो अब अफगानिस्तान में तो कोई औरत दिखाई नहीं देती, तो ऑब्वियसली इसलिए कोई एक हीरोइन मेरे फिल्म में नहीं थी। दूसरा, सीरियस बैकड्रॉप है, लेकिन जिस तरीके से मेरे दो कैरेक्टर्स बात करते हैं उसमें एक ह्यूमर है, वो ह्यूमर है एक बहुत ही एवरीडे ह्यूमर है, जो अगर दो दोस्त किसी मुश्किल में कहीं फंस जाते हैं तो जिस किस्म की ह्यूमर उस सिचुएशन में से निकलती है, उस किस्म का ह्यूमर है। तो इस एक ही बात है कि मतलब काबुल एक्सप्रेस एक ऐसी कहानी है जो बिल्कुल मेरे आंखों के सामने हुई, उसको मैंने पेपर पे डाला, और फिर फाइनली उसको, यू नो, आई मेड द फिल्म एंड आई पुट इट ऑन स्क्रीन। इट्स वेरी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड इट्स अ वेरी ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ व्हाट वी सॉ एंड व्हाट वी एक्सपीरियंस। एक्चुअली हाँ, बिकॉज वी वर शूटिंग इन अफगानिस्तान, विच इज़ लाइक अ वॉर जोन, वी हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। द इंसिडेंट दैट यू आर रिफरिंग टू, वेदर वन तालिबान टेररिस्ट एक्चुअली यूज अ फोन, हैपन्ड बिफोर द फिल्म। दिस इज़ वेन वी वर डूइंग द डॉक्यूमेंट्री इन 2001, एंड वी हैड गॉन टू अ प्रिजन वेयर ऑल द फॉरेन मर्सनरीज, ऑल द
foreign sort of jihadis who were fighting along with Taliban had been put in prison. And we actually stayed in that prison. और वहाँ पे अफगान थे, पाकिस्तानी थे, अरब्स थे, ये सारे वो लोग थे जो तालिबान के साथ में लड़ रहे थे. And obviously we were closest to the Pakistani Taliban because we understood their language, their culture. And so after we stayed there for 2 days and spent time with them, you know, interviewing them, when we were going out, this one Taliban, Pakistani Taliban came running to us and requested us to let him use our satellite phone. And hum thoda sa ghabra gaye because, you know, at that point you don't know who's tracking your phone and is it sort of safe to give it to a terrorist. But finally we gave it to him and he made a phone call on that satellite phone. And while he was speaking, we realized that this is the first time in 5 years that he was speaking to his family, and who thought that he was dead. And when his daughter, young daughter, came on the phone, this so-called terrorist just broke down, and you know, he was crying like any father would. And in that moment somewhere was where I think the whole script for Kabul Express originated. Because it just shows ki, whatever, I mean, you could be a terrorist, you could be a journalist, you could be anything, but deep down, I mean, you scratch somebody and deep down they're just normal human beings with sort of all the human emotions attached to them. हमेशा यश राज को रोमांटिक फिल्म्स, शिफॉन सारीज, स्विट्जरलैंड के बैकड्रॉप देखा गया उनकी फिल्मों में, तो क्या आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था उन्हें कन्विंस करना आपकी फिल्म के लिए? उन्होंने भी कभी आज से पहले ऐसा जॉनर ट्राई नहीं किया? नहीं, एक्चुअली बिल्कुल ही मुश्किल नहीं था, सिंपली क्योंकि मैंने नहीं अप्रोच किया था यशराज को. मेरी स्क्रिप्ट किसी और के ज़रिए आदित्य चोपड़ा के पास पहुंची और उन्होंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे फ़ोन आया कि आदित्य चोपड़ा आपसे मिलना चाहते हैं. और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि हम ये फिल्म बनाना चाहते हैं आपके साथ. तो इसलिए हाँ, अगर नॉर्मली मैं जैसे लोगों दूसरे प्रोड्यूसर से मिल रहा था तो उस टाइम मैं आई डिडंट अप्रोच यशराज, क्योंकि जैसे आप कह रही हैं, एक अजम्पशन या एक इम्प्रेशन रहा है कि यशराज सिर्फ रोमांटिक फिल्में करता है और इस किस्म की जॉन नहीं करता. लेकिन आई थिंक अब वो चेंज हो रहा है. जैसे आपने देखा है चकदे भी यशराज की फिल्म है, वो एक अब रोमांटिक फिल्म्स के साथ साथ एक थोड़ी सी जो रियलिस्टिक फिल्म है उनको भी डिवेलप कर रहे हैं. और हर किस्म के जॉन एक्चुअली अब यशराज फिल्म्स से आ रहे हैं, क्योंकि इट्स नाउ बिकम अ स्टूडियो. तो अब जाहिर सी बात है, जब एक स्टूडियो बन जाता है तो फिर उसमें हर किस्म के जॉन्स जो हैं फिल्म के वो आने पड़ेंगे. तो कभी परेशानी हुई शूटिंग करते वक्त, क्योंकि इन्होंने हमेशा रोमांटिक फिल्में की थी और ये एक फिल्म है जो हार्ड कोर एकदम डॉक्यूमेंट्री सॉर्ट ऑफ फिल्म है, तो कभी परेशानी हुई कुछ? नहीं, कभी परेशानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये स्क्रिप्ट लेवल पे डिसाइड हो जाती हैं. एक बारी एक स्क्रिप्ट पे आप इंटरेक्शन करते हैं और स्क्रिप्ट पे पूरा क्लियर हो जाता है तो फिर जब आप शूट करते हैं तो देन यू आर ऑन योर ओन. एंड एक बारी स्क्रिप्ट लॉक है तो आप स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं. तो कुछ परेशानी बल्कि मैं समझता हूँ अगर यशराज स्टूडियो का बैकअप नहीं होता तो हो सकता है कि ये फिल्म बनती ही नहीं. क्योंकि जिस किस्म के प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़े अफगानिस्तान में, जिस किस्म के सिचुएशंस हमें हैंडल करने पड़े, और कोई प्रोड्यूसर होता तो मैं समझता हूँ छोड़ के भाग जाता है ये फिल्म, क्योंकि बहुत ही मुश्किल सिचुएशंस थे ये. टेररिस्ट थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स एक्टर्स को आ रहे हैं, सिक्योरिटी की वजह से डिलेज हो रहे हैं, कॉस्ट बढ़ने लगी. लेकिन उस टाइम पे आदित्य चोपड़ा जो यशराज फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कभी भी अपना हाथ पीछे नहीं हटाया. और उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं समझता हूँ ये फिल्म कम्प्लीट ही नहीं हो. हाँ, मेरा देखिए कोई फिक्स नोशन नहीं है कि मैं सिर्फ सीरियस बैकड्रॉप पे फिल्में बनाऊंगा या कॉमेडी कभी नहीं बनाऊंगा. इनफैक्ट मैं समझता हूँ काबुल एक्सप्रेस में बहुत सारी कॉमेडी थी, लेकिन एक रियल कॉमेडी थी. और ये कि आजकल कॉमेडीज चल रही हैं या आजकल थ्रिलर्स चल रहे हैं, उस मूवमेंट के साथ मैं नहीं जाऊँगा. क्योंकि मुझे लगता है कि एक फिल्म आएगी अचानक और वो सक्सेसफुल हो जाएगी तो उसके बाद 2 साल बाद वैसी फिल्में फिर चलने लगेंगी. तो आई थिंक जो भी एक अंदर से मेरी कहानी आएगी, जो मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, मैं वही कहानी बताऊँगा. एंड आई विल नॉट फॉलो द मार्केट ट्रेंड कि आजकल अगर कॉमेडी चल रही है तो इसलिए कॉमेडी की एक स्क्रिप्ट लिखी जाए. वो मैं समझता हूँ ठीक अप्रोच नहीं है फिल्म बनाने का, बिकॉज फिल्म अल्टीमेटली हैज टू कम फ्रॉम योर सेल्फ. तो वो कॉमेडी भी हो सकती है, थ्रिलर भी हो सकती है, ड्रामा भी हो सकती है,
लेकिन अल्टीमेटली स्टोरी नीड्स टू कम फ्रॉम विद इन। आप खुद कौन से जॉनर एंजॉय करते हैं? मैं सारे जॉनर एंजॉय करता हूँ। आई थिंक यू नो जॉन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि फिल्म कैसे बनाई गई है, उसमें क्या है। मतलब मैंने बहुत बकवास कॉमेडीज़ भी देखी हैं और फिर मैंने लगे रहो मुन्ना भाई भी देखी है जो कि बहुत ही मतलब इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स। तो टू से कि सारी कॉमेडीज़ मुन्ना भाई हैं वो तो नहीं हो सकता, मुन्ना भाई एक ही है। सिमिलरली थ्रिलर्स में कुछ बहुत ही बकवास थ्रिलर्स भी दिखती हैं और कुछ बहुत बेहतरीन थ्रिलर्स भी होती हैं। तो आई थिंक जॉन इम्पोर्टेंट नहीं है, फिल्म कैसे बनाई गई है, कितनी ऑथेंटिसिटी और कितनी मेहनत के साथ बनाई गई है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपकी आने वाली फिल्म जो यशराज के साथ की है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी काफ़ी मतलब क्योंकि फिल्म की शूटिंग भी शुरू नहीं हुई और काफ़ी अभी स्टिल इन अर्ली डेज, में ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊँगा। बस ये बता सकता हूँ कि ये फिल्म अमेरिका में हम शूट कर रहे हैं एक सिंगल शेड्यूल में। अगस्त सितंबर अक्टूबर में हम इसको शूट करने वाले हैं। उसकी मेन कास्ट जो है वो जॉन एब्राहम है, कटरीना कैफ, इरफान खान और नील नितिन मुकेश। तो ये चार हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मिक्स एंड पैकेज ऑफ एक्टर्स। बहुत मज़ा आएगा आई थिंक इन लोगों के साथ काम करने में। और कहानी भी बहुत कंटेम्प्रेरी कहानी है, आज की कहानी है, जो आई थिंक इट्स रेलिवेंट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, रेलिवेंट फॉर आर कंट्री। और अगर आप कहें कौन सी जॉन है तो मैं कहूँगा ये इट्स लाइक अ ड्रामा थ्रिलर। आपकी पहली फिल्म में जॉन थे काबुल एक्सप्रेस में, इसमें भी है, तो क्या कोई लक फैक्टर लेके आप चल रहे हैं साथ में या फिर कंफर्ट? नहीं हाँ देखिए, एक तो हमेशा कंफर्ट फैक्टर रहता है। अगर आप किसी के साथ काम करें तो एक बॉन्डिंग हो जाती है, एक रैपो बन जाता है। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आई थिंक ये जो कैरेक्टर था, क्योंकि मैं एक फिल्म कर चुका हूँ जॉन के साथ और मुझे उसकी एक उसका जो फिजिकैलिटी है, उसका जो एक पूरा एटीट्यूड है, मुझे अच्छी तरह मालूम था। तो ये एक कैरेक्टर जो मेरी दूसरी फिल्म में है वो बिल्कुल जॉन को सूट करता था। बहुत कम एक्टर्स हैं उस फिजिकैलिटी के साथ जो ये कैरेक्टर को सूट कर सकते थे। एंड क्योंकि जॉन इसको सूट करता था तो ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस जॉन ही रहेगा, क्योंकि जॉन के साथ हम काम कर सके हैं और बहुत अच्छा एक वर्किंग एक्सपीरियंस रह चुका है। कटरीना कैफ को अभी तक एज एन एक्ट्रेस लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो क्या आप एकदम हार्डकोर एक्टिंग कुछ करवाने वाले हैं? बिल्कुल। आई थिंक कटरीना जो रोल कर रही है मेरी फिल्म में, एक बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल है। और मैं समझता हूँ कटरीना विल बी वेरी गुड, क्योंकि इनहेरेंटली फिर से उनकी जो एक रियल लाइफ पर्सनैलिटी है वो भी कुछ मेरे कैरेक्टर से मिलती जुलती है। जब आप फिल्म देखेंगी तब आपको समझ में आएगा क्यों कुछ ट्रेट्स हैं कटरीना के जो जो इस कैरेक्टर में उनको हेल्प करेंगे इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए। और आई थिंक कटरीना विल डू अ ग्रेट जॉब, क्योंकि हम उनके साथ बैठ चुके हैं और पूरा स्क्रिप्ट डिस्कशन हुआ था, रीडिंग्स हुई थी, और सबसे एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। जॉन के साथ तो आपने पहले काम किया, जी तो जी जी कटरीना की ऐसी कौन सी बात थी जो आपने इस कैरेक्टर के लिए उनको? वो कटरीना आई अनफॉर्चुनेटली वो रिवील नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अगर वो बोलूँगा तो फिल्म के बारे में कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं जो इस टाइम पे आई थिंक हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगी तो आपको समझ में आएगा क्यों कटरीना परफेक्ट कास्टिंग है इस रोल के लिए। चाहे उनकी फिजिकलिटी हो या जो उनका पर्सनैलिटी है, इस कैरेक्टर के लिए वो परफेक्ट कास्ट हैं। और यू नो इट ऑल्सो हैपन्स दैट शी इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस, शी इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो देयरफॉर कटरीना, सिमिलरली फॉर नील नितिन मुकेश एंड इरफान खान, दे आर परफेक्ट फॉर द कैरेक्टर्स दैट दे आर पोर्ट्रेइंग, फिजिकली एंड जस्ट देयर पर्सोना।